नमस्ते एवरीवन, हाय दिस इज राज एंड वेलकम टू माय चैनल मिनीजा ऑन द रॉक्स। आज मैं ऐसे कुछ इजी और सिंपल डिशेस लेके आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम बनाएंगे पोच्ड एग, बहुत ही हेल्दी डिश होती है ये। हमने पतीले में पानी बॉईल करने को रख दिया है और अब हम अपने एग को स्ट्रेन करेंगे, वो एक्स्ट्रा लिक्विड हम स्ट्रेन करके बाहर निकाल देंगे। जब एग हमारा पुराना हो जाता है तो उसमें ये लिक्विड जम जाता है, इसे हमने स्ट्रेन करके बाहर निकाल दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन है, जो पानी बाहर निकला है ये क्या करेगा, पानी में जा करके फैल जाएगा तो हमारा पोच्ड एग अच्छे से बन नहीं पाएगा, इसलिए इसे हमने स्ट्रेन कर लिया। अब हमारा पानी बॉयल हो चुका है, इसमें हम डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर। कुछ लोग इसमें सॉल्ट डालते हैं बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि विनेगर से ज़्यादा बेटर होता है, सॉल्ट से भी वो फैल जाता है। अब हम अपने पानी में एक वर्लपूल बनाएंगे, चम्मच से इसको ऐसे घुमाते रहिए। और ये बहुत प्यारा वर्लपूल बन चुका है, इसमें हम धीरे से अपना एग ड्रॉप कर दीजिए। बहुत ही प्यारा शेप ले रहा है, आपने ध्यान दिया बिल्कुल भी एग स्कैटर नहीं हुआ। अब इसे हमें एटलीस्ट 2-3 मिनट बॉइलिंग वाटर में पकाना है। और ये एक सामने रोज भी रेडी हो गया है ऊपर। सो ये हमारा ऑलमोस्ट डन है, इसे अच्छे से स्ट्रेन करके पानी पूरा ड्रिप हो जाने दीजिए, इसको सर्व कर लीजिए बाहर। इसको आप गार्निश कर सकते हैं थोड़ा धनिया या प्याज से। ये खाने में बहुत ही यम्मी होता है, प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करिएगा। सॉल्ट भी स्प्रिंकल कर दिया है इसके ऊपर, इसको मैं काट के दिखाता हूँ इसका एग योक। ओह मैन, देखिए दिस इज़ एक्चुअली वेरी टेस्टी। ये सेमी लिक्विड सा जो एग योक निकलता है इसका, बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है, प्लीज़ ट्राई इट। सो नेक्स्ट है हमारा एग चाओ पाओ, ये नाम मैंने दिया है। इसके लिए हमने पहले एक एग को अच्छे से विस्क कर लिया, उसको पैन में डाल दिया, सेम जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं वैसे एक ऑमलेट बना रहे हैं यहाँ पे हम। थोड़ा नमक ऐड किया, ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दिया, फ्लेम स्लो होगी ध्यान दीजिएगा। अब हमें इसको धीरे धीरे रोल करना है, जैसे हम एग रोल बनाते हैं वैसे इसको हमें रोल करना है आराम से धीरे धीरे। ये रोल कर लिया मैंने, रोल करके इसको बाहर निकाल लीजिए और बाहर निकालने के बाद 10 मिनट तक इसको ठंडा होने दीजिए। और उसके बाद हम इसे ऐसे ऐसे राउंड्स में काट लेंगे। स्प्रेड करके छोड़ दीजिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें फिर से हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा हमने स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर, और अब बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन इसमें डाल के इसको सौते कर लेंगे।
लंबे लंबे कटे हुए अनियंस डाल दिए। अब इसमें कैप्सिकम ऐड कर दीजिए। इसको थोड़ी देर पकने दीजिए। अब इसमें हम टमाटोज ऐड कर देंगे, पतले पतले स्लाइस किए हुए। सॉल्ट ऐड किया और ब्लैक पेपर और टर्मरिक। इसको हमने पकाया 2-3 मिनट अच्छे से, और फिर हमने अपने वो कटे हुए एग के जो राउंडल्स थे वो इसमें डाल दिए। इसको अच्छे से 3-4 मिनट स्लो फ्लेम पे और पकाइए, और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत ही टेस्टी डिश है ये, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये नेक्स्ट हम चलते हैं मिरांग ऑमलेट के ऊपर, ठीक है। मिरांग क्या होता है? मिरांग हम अभी बनाना सीखेंगे। अपने एग्स को हम सेपरेट कर लेंगे, एग वाइट और एग योक को सेपरेट कर लेंगे। मैंने 3 अंडों का एग वाइट लिया है। अब इस एग वाइट को हम विस्क करेंगे, कंटेनर से विस्क करेंगे। इसमें हम एयर को इनकॉर्पोरेट करेंगे। विस्क करते जाएंगे, वो अपने आप बहुत ज्यादा फ्लफी होता जाएगा। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोशन में दिखाया है, थोड़ी मेहनत लगती है ये करने में, वरना अगर आप इलेक्ट्रिक विस्कर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी फ्रॉथी सा बन गया है ये ऑलमोस्ट। इसको हम मिरांग बोलते हैं, ये सिर्फ एग वाइट से बना हुआ है। हमने पैन गरम किया, उसमें बटर लगाया थोड़ा सा, उसमें हमने अपना मिरांग ऐड कर लिया। अब इसे हल्का हल्का विस्क से ही बहुत ही हल्के हाथ से थोड़ा स्प्रेड कर लीजिए, बहुत हल्के हाथ से। ये बहुत क्लाउडी सा हो बन गया है। धीमी फ्लेम पे इसको आराम से पकने दीजिए, और 2-3 मिनट बाद इस पे अनियंस डाल दीजिए और थोड़े बारीक कटे हुए कैप्सिकम। और इसमें मैं 2 एग योक डाल रहा हूं, क्योंकि मेरा 1 एग योक डिस्ट्रॉय हो गया था। सॉल्ट स्प्रिंकल किया, रेड चिली और ब्लैक पेपर। अब इसको ढक दीजिए और लगभग 4-5 मिनट बाद इसको खोलिए, और खोलने के बाद इसको चेक कर लीजिए कहीं ये नीचे चिपक ना गया हो, फिर इसको फोल्ड कर दीजिए ऐसे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से। ये देखिए इसका एग योक बहकर निकल रहा है, ये रेडी। इसे भी एक बार आप ट्राई करिएगा, एक डिफरेंट टाइप का ऑमलेट था वो। और अब हम बनाएंगे अपना फ्रटाटा।
इस डिश का नाम है फ्राटाटा। ये एक टाइप का ऑमलेट ही है। पैन लिया, पैन में हमने कुछ अनियन डाल दिए सौते करने के लिए। अगर आपको कभी हैवी ऑमलेट खाने का मन करे तो आप ये ज़रूर बना सकते हैं। अब हमने कैप्सिकम काट डाल दिए इसमें। ये एक ऐसा ऑमलेट है जिसमें आप जो चाहें वो वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपका खाने का मन करे साथ में। इसमें मैंने डाला पतले पतले कटे हुए पोटैटो। मैं इसको अच्छे से 3-4 मिनट तक अच्छे से पकाया। इसमें हमने अपनी हमारी सीजनिंग्स ऐड कर दी, सॉल्ट एंड पेपर। अब हमने एग्स को लिया। मैंने यहाँ पे 3 एग लिया है। 3 एग को मैंने अच्छे से बीट करके इसमें डाल दिया। आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपने कितनी वेजिटेबल्स डाली हैं उसमें। और इसको स्लो फ्लेम पे मैंने पकाया। ये ऑलमोस्ट डन है और मैंने इसको ये फ्लिप कर दिया और ये थोड़ा सा मुड़ गया है, उसको मैं ठीक कर लूँगा। और ये हमारा रेडी। अब हम बनाएंगे एग रोल। थोड़ा डिफरेंट सा है। इसके लिए मैश्ड पोटैटो लिया मैंने। अब पैन में थोड़ा ऑयल ऐड करूंगा, उसमें मैं सौते करूंगा अपने अनियंस को और कैप्सिकम। इसको 2-3 मिनट अच्छे से सौते करने के बाद इसमें मैश पोटैटो को डाल दिया मैंने। अपनी सीजनिंग्स ऐड कर दी, सॉल्ट एंड पेपर, और मैंने इसको अच्छे से रोल करके लेंथ में लंबा सा रोल करके ऐसा बना के रख दिया। इसका हम यूज करने वाले हैं आगे। इस शेप में बना के इसको रख दीजिए। अब हमारा काम है कि हम अपने एग वाइट और एग योक को फिर से सेपरेट कर लें और एग योक को अच्छे से बीट कर लें और ऑयल किए हुए पैन में डाल दिया। ये पूरा का पूरा एग योक है, अंडे का जो पीला वाला पार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा आपकी फ्लेम स्लो होगी। ये ऑलमोस्ट डन है एक साइड से, इसको हम फ्लिप कर लेंगे। ये फ्लिप कर दिया मैंने। अब हम इसमें स्ट्रिप्स काटने वाले हैं, लंबे लंबे। धीमे हाथ से एक ब्लंट सा नाइफ लेके इसको ऐसे ऐसे काट लीजिए। ध्यान दीजिएगा शार्प नाइफ का यूज मत करिएगा, आपका पैन खराब हो जाएगा। अब ये अल्टरनेट स्ट्रिप्स जो हैं ये मैं निकाल करके साइड में रख दूंगा और बाकी बची हुई जो स्ट्रिप्स थी उनको मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ। अब जो हमने एग वाइट को अलग किया था, अंडे का सफ़ेद वाला पार्ट, उसे अच्छे से विस्क करके इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। सॉल्ट डाल दिया। ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया इसमें। अब हमने जो पोटैटो का जो रोल बनाया था आलू का,
वो यहाँ पे रख दिया और हम अपने एग को ऐसे धीरे धीरे उसके अराउंड रोल कर देंगे। आराम से करिएगा धीरे धीरे और ये पूरा रोल कर दीजिएगा। ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर है। इसको एक बार ट्राई करिएगा, बनाने में भी मज़ा आएगा। और फिर ऐसे लंबे लंबे ऐसे राउंड्स में काट करके यू कैन हैव इट। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। थैंक यू सो मच गाइज़।